कोविड से बच जाएंगे, भुखमरी से मर जाएंगे। कोविड की दूसरी और संभावित तीसरी लहर से जो कुछ बच जाएंगे वे बेरोजगारी और भुखमरी से मर जाएंगे। शहरी बेरोजगारी 12% को छू रही है तो गांव में यह 7.29% है। देश की बात करें तो यहां भी 9% बेरोजगारी का आंकड़ा दिखाई देता है। पीएफ के रूप में उम्र भर की कमाई जान बचाने में खर्च हो रही है। सिर्फ भोपाल में ही 40 दिन में 10,000 लोगों ने पीएफ के 19 करोड़ से ज्यादा रुपए निकाले। अप्रैल महीने में 35 लाख नौकरियां छूटी। देश में 700 से ज्यादा जिलों में से 533 में कोविड पॉजिटिविटी दर 10% से ज्यादा है। 1/4 देश लॉकडाउन झेल रहा है। पिछले साल फकीर ने पूरा देश बंद कर दिया था, तब 10 मई को राष्ट्रीय बेरोजगारी 24% और शहरी बेरोजगारी 28% के करीब थी। मैं बार बार इतिहास दोहराता हूं ताकि आप किसी भ्रम में न रहे। पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, चौतरफा महंगाई की मार है। इन सब के बीच अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये सिलसिला पूरे साल बना रहेगा। असली बुलबुला 2022 में तब फूटेगा जब देश की इकॉनमी ध्वस्त हो चुकी होगी और बेचने को भी फकीर के पास कुछ नहीं होगा। 2019 में भारत को $5 ट्रिलियन वाली इकॉनमी बनाने का जुमला फेंक कर फिर से कुर्सी पर बैठा एक फकीर फिलहाल नदियों में बहती लाशों और संगम के रेतीले तट में दबे शवों को विकास की धारा मानकर चुप बैठा। वाकई भारत की सांप्रदायिक कवाम को राज करने के लिए ऐसे ही अपराधियों की जरूरत है। 2024 में फिर एक बार फकीर को वोट दीजिएगा ताकि आपकी तकदीर और बुरी तरह से तबाह हो सके।